आज मन शैतमी बसमल असला रसूलकरीम वलमत तयबिन तौहरिनमास मोमिन ने किया बाज़ अवका दीन से दूरी की वजह से कुतब से दूरी की वजह से इल्म से दूरी की वजह से छोटे छोटे ए, जो मसाइल होते हैं हमारी ज़िंदगी में रोज़ाना के उनसे ही हमारी तो नहीं होती और हम बहुत बड़े गुनाह में मुबतला होते हैं जैसे कि ममिन कराम वाशरूम का वाशरूम जब हम बनाते हैं तो जो पार्ट होता है उसका रुख किस तरफ करना चाहिए एक चीज़ का तो मुमनिन को पता होता है वो उसका जो है वो चेहरे का रुख जो होता है वो ए, किबला रुख नहीं करते ये तो ठीक हो गया लेकिन बाज़ अवकात पुश्त जो है वो किबला की तरफ कर देते हैं कि चेहरा तो नहीं किया चेहरा तो उसके बिल्कुल मुखालिफ है किबला रोक के और कमर जो है जो पुश्त है वो किबला की तरफ है तो मोमिन कराम तवज्जो फरमाएँ जिस तरह पेशाब और पाखाना करते वक्त चेहरे आपका रुख अगर किबला की तरफ हो तो ये शर्ण हराम है गुनाह है सख्त तरीन गुनाह है इसी तरह किबला की तरफ पुष्ट करके और पखाना करना भी गुना है यह अक्सर हमने वाशरूम देखे हैं खुद देखे हैं कि उनकी पुष्ट जो है वो किबला की तरफ होती है और आम तौर पर भी लोगों को इसका नहीं पता होता वो कहते हैं कि और पाखाना किबला की तरफ चेहरा करके तो नहीं किया जा सकता लेकिन पुष्ट उस तरफ करके और पाखाना किया जा सकता है तो ये मोमनी ने क्राम तोज्जु फरमाएँ कि चेहरा चेहरे का किबला की तरफ़ पिशा रुख करके पेशाब और पाखाना करना ये भी शर्म गुनाह है सख्त गुना है और पुश्त जो है वो भी अगर आपकी कमर जो है वो किबला की तरफ़ हो और आप पेशाब और पाखाना करें तो ये भी गुना है अगर आपके वाशरूम आपके जो वाशरूम है, है मकाम पखाना अगर उसके पार्ट अगर पुश्त उसका जो है वो पुष्ट की जाने बगर इस तरफ है किबला की तरफ है तब भी वो गलत है और गुना है सख्त गुना है कितने लोग हैं जिन्होंने पार्ट रखने के बाद वाशरूम बनाने के बाद जब उलमा ने देखा या उन्हें पता चला तो उन्होंने दोबारा उसे वो पार्ट्स वगैरह को निकाल कर उसे दुरुस्त सिमत में रखा यानी कि अगर मिसाल के तौर तो पर इस तरफ किबला है तो इस तरफ रुख कर चेहरे का कर, रुख करके पेशावर पखाना करना भी जायज़ नहीं है और पुशत करके भी पेशावर का पखाना करना जायज़ नहीं बाकी ये साइड और ये साइड रही इस तरफ आप चेहरा भी कर चेहरा करके पेशावर पखाना कर सकते हैं और पुष्ट भी इस इस, इस तरफ चेहरा करके या इस तरफ पुष्ट करके भी पेशावर पखाना किया जा सकता है इसमें कोई हर्ज नहीं है तो मुमिनीन इकराम ये बहुत अहम अहम मसला है ज़्यादा से ज़्यादा ममन कराम ये पैगाम ममिन तक पहुँचाएँ शेयर करें और ये लोगों को बताएँ अक्सर लोगों को इस मसले का नहीं पता और ये गुना है बहरान खुदा मंद करीम हमें फ़िकी मसाइल को समझने की और उन पर अमल करने की खुदा तोफ़ी नायत फरमाए आमल महमद माउल महमद वाजिलफरजहम